नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता दें कि डिजिटल युग में युवाओं पर सोशल मीडिया का कुमार लगातार देखने को मिलता है। रील्स, मीम्स, लाइक, कमेंट और शेयर के दौर में युवा संस्कारों को भूलते हुए नजर आए हैं। वहीं बुंदेलखंड की बेटियां आधुनिक चकाचौंध से दूर दराज का जीवन संवारने में निकली हुई हैं। इन बेटियों ने लोगों को संस्कार का पाठ पढ़ाने के लिए घर छोड़ दिया। जैन समाज के प्रतिष्ठित परिवारों की इन बेटियों को 16 दिसंबर को विश्वाश्री माताजी कोलकाता में आर्य का दीक्षा प्रदान करेंगी। बेटी साध्वी बनकर जैन धर्म के सिद्धांत और नियमों का पालन करते हुए पूरे देश में संस्कारों का शंखनाद करेंगी। इन दिनों इन बेटियों की जगह जगह यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान बेटियां गृहस्थ अवस्था में हुई भूलों की समाज में क्षमा याचना कर रही हैं। ललितपुर के बानपुर महेंद्र निवासी ने बताया है कि बड़ी बेटी शिव जैन आर्या माता विश्वाश्री की दीक्षा लेने जा रही हैं। शिवा दीदी के पिता महेंद्र नायक बताते हैं कि वर्ष 2011 में आचार्य विरुद्ध सागर महाराज और विश्वाश्री माताजी ने बानपुर में पंच कल्याण महोत्सव कराया था। इस दौरान शिवा दीदी माताजी के पास व्यव्रत सेवा करने जाती थी। माँ संध्या जैन बताती हैं कि शिवा दीदी ने टीकमगढ़ में बीएससी किया है। बचपन से ही धार्मिक कार्य में रुचि थी। पिछले 11 साल से वह संघ में रहकर संयम की साधना कर रही हैं। शिवा दीदी की छोटी बहन शेजल जैन भी धार्मिक कार्यों में लगातार काम करती हैं। भिंड निवासी प्रकाश चंद जैन और उषा जैन की बेटी शैली जैन भी वैरा के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। मां उषा जैन बताती हैं कि शैली दीदी नगर में जैन साध्वियों के आगमन के दौरान बढ़ चढ़कर सेवा करती थी। लॉकडाउन में बता दें कि विश्वश्री माताजी वर्ष योग कर रही थी। इस दौरान वे संघ में शामिल हो गई और माता से ब्राह्मण और दो प्रतिमाओं के व्रत ले लिए। इसके बाद उन्होंने घर वापसी नहीं की। एमए कर चुकी शैली दीदी ने बताया कि आर्यका माताजी को देखकर मन में संयम का भाव जागृत हुआ और सबको छोड़ने का जो है वो फैसला कर लिया। भोपाल के आपको बता रहे हैं कि क्षेत्र की निवासी सपना दीदी टीचर बनना चाहती थी। उन्होंने अंग्रेजी से एमए करने के साथ ही बीएड किया। लेखन में रुचि थी तो आध्यात्मिक लेख में लिखना कार्य शुरू कर दिया। धर्म के संस्कारों का प्रभाव हुआ और उन्होंने संयम पथ अपनाने की ठान ली। 4 महीने पहले कोलकाता में उन्होंने दीक्षा ली।